सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के बाद से तो मानो पुलिस खेमे में लगातार तहलका मचा हुआ है। इस केस को लेकर आए दिन कोई ना कोई ताजा अपडेट भी सामने आ रही है। इसी बीच खबर है कि गैंगस्टर की दुनिया से पुलिस के लिए कई धमकियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद तो आला कमान से लेकर पुलिस थाने तक को अलर्ट पर रख दिया गया है। बता दें कि मूसेवाले की मौत के बाद तमाम गैंगस्टर सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकाते नजर आए तो कोई बदले की बात करता नजर आया। इस सब के बीच बात इस कदर बढ़ गई कि बॉलीवुड को भी घसीट लिया गया। आपको याद होगा कि मूसेवाले की मौत के कुछ ही दिन बाद रियल लाइफ के रॉबिन हुड यानी सलमान खान के पिता को एक लेटर के जरिए धमकाया गया था, जिसमें सलमान खान और उनके पिता को लेकर कहा गया था कि आप लोगों का हाल भी मूसेवाला कर देंगे। जिसके बाद तो मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। बता दें कि धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि गैंगस्टर की दुनिया ने अब पंजाब पुलिस को निशाना बनाया है। दरअसल पुलिस को बाकायदा धमकाया गया कि इस तरह से पुलिस गैंगस्टर के पीछे ना पड़े, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। बता दें कि मूसेवालों को भी पहले धमकाया गया था, जिसके बाद सिद्धू के नाम आने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बहरहाल खबर है कि ये दबंग बदमाश पुलिस की कार्रवाई से बौखला गए हैं। यही वजह रही होगी कि गैंगस्टर ने पुलिसिया कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए तरह तरह से लोगों को धमका रहे हैं, ताकि सिद्धू मूसेवाले को लेकर पुलिस जो जांच कर रही है उस पर रोक लगाया जा सके और वो चैन की नींद सो सकें। पंजाब पुलिस को गैंगस्टर की थ्रेट एक फोन कॉल के जरिए दी गई, जिसमें गैंगस्टर की ओर से फरमान जारी किया गया कि पुलिस छापेमारी बंद कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकी मिलने के फौरन बाद ही पंजाब की मानसा थाने का गेट बंद कर दिया गया और पुलिस के तमाम अफसर से लेकर आला कमान को अलर्ट पर रहने को कहा गया। दरअसल इन गुंडों ने सीधे पंजाब पुलिस को ही रडार पर रखा है, ताकि सिद्धू की मौत को लेकर जो गैंगवार की बातें सामने आ रही हैं उस पर रोक लगाया जा सके। साथ ही उनका मकसद रहा होगा कि तमाम कुख्यात गैंग के आला कमान को पुलिस परेशान ना कर सके, जेल में पड़े गैंगस्टर को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। इस सब का ख्याल बकायदा उनके गुर्गे बाहर से रख रहे हैं। नतीजन पुलिस को फोन कर धमकाया जा रहा है, जिससे आगे की कार्रवाई रोकी जा सके। गैंगस्टरों की हिम्मत देख कोई भी सिहर जाए। हद तो तब हो गई जब वो बकायदा मानसा पुलिस के SHO को फोन कर धमकाने लगते हैं। फोन पर कहा गया कि पुलिस को छापेमारी तुरंत बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। ये कोई एक दो कॉल्स की बात नहीं थी, बल्कि पुलिस को कई बार ऐसे कॉल आए। फिर तो जब इन कॉल्स की डिटेल्स खंगाली गई, तब जो सच सामने आया उसे सुन सबके होश उड़ गए। दरअसल पुलिस को थ्रेड कॉल्स कनाडा और दूसरे फॉरेन कंट्री से किया जा रहा था, जिसके बाद तो कलेक्टिव एक्शन के तौर पर मानसा पुलिस थाने को फौरन बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि कॉल्स एक बार नहीं बल्कि कई बार मानसा पुलिस के SHO समेत कई बड़े अफसरों को की गई, लेकिन हर बार सिर्फ फर्क था बस नंबर का। पुलिस के मुताबिक ये गुंडे नए नए नंबर से लगातार फोन कर धमकी दे रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस अफसर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई है, जिसकी निगरानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ADGP प्रमोद बान कर रहे हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाले की हत्या में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है, साथ ही 8 शार्प शूटर्स की शिनाख्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक।